हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक गैलरी। और आज मैं आप लोगों के सामने ड्राइंग करने वाला हूं डारोक का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऑलरेडी रोक का ड्राइंग बना चुका हूं। अब मैं इसमें पेंसिल शेडिंग करूंगा और किस तरीके से मैं मेरा पेंसिल शेडिंग को डेवलप करता हूं वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। और फ्रेंड्स, मैं ये वाला इमेज गूगल से डाउनलोड किया है, आपको भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे। और ये जो डारोक का पोज है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर, वो वाला पोज बहुत ही पॉपुलर पोज है। मैंने सोचा कि मैं इस पोज का एक ड्राइंग बनाऊं। चलिए पेंसिल शेडिंग शुरू करते हैं और करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और एक बात फ्रेंड्स, कि मैं ड्राइंग बनाने के लिए, आप देख सकते हो ये सारे ड्राइंग मटेरियल मैं यूज करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये पेपर स्टैम्प्स मैं यूज करूंगा पेंसिल स्ट्रोक्स को स्मूथ बनाने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट ग्रिड की पेंसिल्स भी है जो कि मैं डार्क करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ और ड्राइंग को क्लियर करने के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर साथ में आप देख सकते हो मैकेनिकल पेंसिल्स है 0.5 और 0.3 का। सो इसमें डिटेलिंग करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रोक की बॉडी में एक क्रेटो बना हुआ है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे डिटेलिंग है। सो इसमें करने के लिए मुझे मैकेनिकल पेंसिल का जरूरत पड़ेगा। सो ये सारे ड्रॉइंग मटेरियल जो है वो आप देख सकते हो, ये स्टेडलर का पेंसिल भी है, वो भी मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर जरूरत की हिसाब से। तो फिर चलिए शेडिंग को शुरू करते हैं, करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ड्राइंग चैनल और ये ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस। दोनों आंखों में मैं पहले शेडिंग करूंगा फ्रेंड्स। आंखों में शेडिंग करने के बाद धीरे धीरे मैं नाक में और होठों में शेडिंग करूंगा, उसके बाद मैं पूरा फेस में शिफ्ट करूंगा। तो फिर चलिए करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं मुंह में शेडिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मैं धीरे धीरे बॉडी में शिफ्ट करूंगा नीचे वाले पार्ट में। आप देख सकते हो मैं पहले यहाँ पर शेड करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं बॉडी में जो टैटू है इसमें भी शेडिंग करूंगा और हाथों में भी शेडिंग करूंगा। सो मुंह में शेडिंग आपको कैसा लगा ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर चलिए नीचे वाले बॉडी के नीचे वाले पार्ट में मैं धीरे धीरे शिफ्ट करता हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं फेस में और नेक में पेंसिल शेडिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 पार्टों में इस वीडियो को बनाऊंगा। जैसे जैसे मेरा शेडिंग होता जाएगा मैं भी वीडियो को एडिटिंग करके फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऐसा करके छोड़ूंगा। यह तक फर्स्ट पार्ट रहेगा। सो कैसा लगा अब तक आपका शेडिंग डारोक का, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो में रॉक के बॉडी में जो टैटो है इसमें शेडिंग करूंगा और इस वाले हाथों में भी शेडिंग करने की कोशिश करूंगा। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फाइनली मैं जो कि हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे इस तरीके का ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, जैसे कि और भी अच्छा ड्राइंग रिलेटेड वीडियो ला पाऊं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया ड्राइंग के साथ। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।